सर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का हम सबसे पहला एरिया देख रहे हैं डेटर्स मैनेजमेंट, ठीक है जी, यानी अकाउंट रिसीवेबल की मैनेजमेंट। ठीक है, डेटर्स मैनेजमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए, डेटर्स मैनेजमेंट में हमने कई सारे केसेस देखने हैं। हम इसका पहला पार्ट देख रहे हैं कि सर, चेंजेस इन क्रेडिट पीरियड अलाउड, ठीक है जी। ज़रा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखें, एक बात बताएं, अगर आप एक एक बंदे को क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं से 2 महीने, ठीक है जी, तो सर सीधी सी बात है, एक सर्टन रिसीवेबल आपकी बुक्स में आ रहा होगा, सेल्स आ रही होगी। अगर आप इसको रिड्यूस करके 1 मंथ कर देते हो क्या होगा, सेल्स आपकी गिर जाएंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे और भी चीज़ें लिख देता हूँ सर। सर, बैड डेट्स हैं आपके, एक सर्टन बैड डेट्स भी हैं, फिर साथ ही साथ सर हमारे पास एडमिन कॉस्ट भी है, सर हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी है सेल्स के ऊपर, या प्रॉफिट है सेल्स के ऊपर, ठीक है जी। तो मुझे बताएं, अगर मैंने क्रेडिट टर्म 2 महीने से 1 महीने कर दिया क्या होगा? सर, सेल्स गिर जाएगी। क्यों? बहुत सारे कस्टमर्स जो 2 महीने पे काम कर रहे थे वो अब हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगे, 1 महीने के क्रेडिट पीरियड पे वो नहीं कर पाए शायद, मे बी वो अपने कस्टमर से को 45 दिनों में पैसे लेते हो, तो हमारे साथ अब वो 1 महीने वाले पे तो काम नहीं कर सकेंगे। ये होगा कि सर बहुत सारे लोगों के जाने की वजह से, बुरे लोगों के जाने की वजह से, क्रेडिट पॉलिसी स्ट्रिक्ट होने की वजह से बैड डेट्स भी गिर जाएगा। अच्छा, सीधी सी बात है, जब सेल्स गिरेगी तो सीएम गिरेगा। अच्छा सर, सीधी सी बात है सर, जब कम रिसीवेबल्स होंगे, बैड डेट्स कम होंगे, तो एडमिन की कॉस्ट भी कम होगी। तो मुझे पता है इसमें पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं। सर देखें, पॉजिटिव ये है कि बैड डेट्स कम हो जाएगा, ठीक है, एडमिन कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन सर एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन गिर जाएगा। एक चीज़ देखें जो हमने नहीं देखी, जो इस पूरे चैप्टर की मेन चीज़ है, वो है हमारे पास सर वर्किंग कैपिटल कॉस्ट। सीधी सी बात है सर, जब आपके पास रिसीवेबल है, ठीक है ना, ये 2 महीने पे क्रेडिट पीरियड पे ज़्यादा है, इसमें कम होगा। जब कम होगा ना सर, याद रखना, हमारी वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं सर इसको इवेल्यूएट करूँ, क्रेडिट पीरियड रिड्यूस करने को, तो सर मेरे पास क्रेडिट पीरियड रिड्यूस करने में क्या होगा? सीएम रिड्यूसेस, ठीक है जी, लॉस, बैड डेट्स रिड्यूसेस, फायदा, एडमिन कॉस्ट, लोगों के पीछे भागना पड़ता था, रिड्यूस्ड, फायदा, फिर सर उसके बाद सर वर्किंग कैपिटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिड्यूस्ड, फायदा। तो मुझे बताओ, क्रेडिट पीरियड रिड्यूस करने का फायदा 3, नुकसान 1। अब आपने एवेल्यूएट करना है अमाउंट वाइज ये ज़्यादा है या इन तीनों का सम ज़्यादा है, ठीक है जी। तो आपको जो बेहतर लगे आप काम कर लो। अगर आपको सर ये बेनिफिट ज़्यादा नज़र आ रहा है, खर्चा कम है, आप क्रेडिट पीरियड रिड्यूस कर दो, ठीक है जी। तो याद रखना कि सर क्रेडिट पीरियड को चेंज करोगे, रिड्यूस करोगे, सीएम गिरेगा, लेकिन बाकी 3 जगहों पे तुम्हें बैड डेट्स कम होने पे, एडमिन कॉस्ट कम होने पे और वर्किंग कैपिटल कम होने पे फायदा हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं 2 महीने के क्रेडिट पीरियड पे सर, जहाँ मेरे पास अभी रिसीवेबल, सेल्स, बैड डेट्स और पता नहीं क्या क्या आ रहा था, एडमिन कॉस्ट, सीएम, वर्किंग कैपिटल, एडमिन कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, अब बताएं व्हाट इफ कि मैं 2 महीने से इसको ले जाऊं 3 महीने पे, अब 3 महीने पे ले जाऊं क्या होगा? सीधी सी बात है सर, मेरा रिसीवेबल बढ़ जाएगा, ज़्यादा लोग सर अब पैसे देर से पे करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोगों के लिए मेरे साथ बिजनेस करना आसान हो जाएगा, तो मेरी रिसीव्स बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, हरामखोर भी आएंगे, बैड डेट्स भी बढ़ जाएगी। सर सीधी सी बात है, ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा सेल्स होगी, ज़्यादा रिसीवेबल्स होंगे, ज़्यादा लोग होंगे, एडमिन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, सेल्स बढ़ेगी तो सीएम भी बढ़ेगा, और सीधी सी बात है सर, जब रिसीवेबल बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो मुझे बताएं सर, इसके अगर मैं नेट बेनिफिट एनालिसिस देखूं, तो सर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सर मेरा सीएम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा सेल्स और अट्रैक्ट ज़्यादा सीएम, ठीक है जी। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा बैड डेट्स भी बढ़ेगा, सब चीज़ें बढ़ रही हैं ना नुकसान, ठीक है जी। सर मेरी एडमिन कॉस्ट भी बढ़ेगी, नुकसान, सर मेरी वर्किंग कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ेगी,
नुकसान, तो बताएं सर हमारे पास ये नुकसान ज़्यादा या ये बेनिफिट ज़्यादा। ठीक है जी, अब आपने नोट करना है सर यही तीन चार चीज़ें जो ऊपर आएंगी क्रेडिट पीरियड के रिडक्शन में, और यही तीन चार चीज़ें जो नीचे आएंगी क्रेडिट पीरियड के एडजस्ट होने पे। ठीक है, सीएम, बैड डेट्स, एडमिन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, नोट कर ले सर पहले इसको। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। एक स्टेप हम आगे जाते हैं जनाब, एक सवाल हम देखते हैं सर पेपर्स का, सॉरी किताब का। ये कह रहे जनाब, ग्रीन लिमिटेड इज करंटली ऑफरिंग 30 डेज क्रेडिट पीरियड एंड एनुअल क्रेडिट सेल्स आर 12 मिलियन रुपए। ठीक है जी सर, इसका मतलब है कंपनी का जो करंट क्रेडिट पीरियड है, ठीक है ना, वो है 1 महीने का। ठीक है जी, 1 मंथ, जिसपे हमारी सेल्स कितनी है जनाब, 12 मिलियन। ठीक है जी, फिर वो कह रहे जनाब हमारा सीएम रेशियो 25% है। ठीक है जी, फिर जी साथ में वो ये कह रहे कि सर हमारा बैड डेट्स 1% है। ठीक है जी, फिर मैंने कहा कोई क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, उसने कहा नहीं, बस यही तीन चीजें हमारे पास और कुछ भी नहीं। उसने कहा ना द कंपनी इज कंसिडरिंग टू एक्सटेंड द क्रेडिट टर्म टू 60 डेज। ठीक है जी, तो बताएं 60 डेज पे जाएंगे तो क्या होगा, सेल 10% बढ़ जाएगी, बैड डेट्स 1.5% हो जाएगा। सर 2 महीने पे जाओगे तो सेल हो जाएगी 10% बढ़ने के बाद 13.2 मिलियन, उसको मल्टीप्लाई 1.1 करोगे तो यही आएगा, सीएम रेशियो तो वही रहेगा, बैड डेट्स 1 की जगह 1.5% हो जाएंगे। ठीक है जी, वो आपसे ये भी कह रहा है कि हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल कॉस्ट है उसका रेट कितना है जनाब, कोई 9%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है। इसका मतलब है अगर ये पैसे हमारे नहीं फंसते इसके अंदर वर्किंग कैपिटल के अंदर, तो हम अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स को वापस कर देते पैसे और हमारी कॉस्ट बच जाती। तो सर याद रखना, कंपनी की कॉस्ट बच सकती है अगर वर्किंग कैपिटल के पैसे रिलीज हो जाए। ठीक है जी, अपने वो वैक को एटलीस्ट वैक तो सेव कर सकता है ना, जो डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं उनको, जो वो हैं इक्विटी और डेट होल्डर के, डेट के फाइनेंसर्स हैं, उनको हम पैसे वापस कर दें, हमारा वैक सेव हो जाएगा सर। तो बताएं सर, अब ये हमारे सामने सारी पिक्चर, आपसे एग्जामिनर कह रहा है बताओ ये क्या ये काम किया जाए या नहीं किया जाए। चलो ये काम इसमें हम ये करते हैं सर, सबसे पहला काम मैं देखता हूँ सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आता है। सर अगर मैं 12 मिलियन का 25% निकालूँ तो सर ये मेरे पास कोई 3 मिलियन होता है। सर इसका निकालूँ तो 3.3 मिलियन होना चाहिए, 10% बढ़ जाना चाहिए। ठीक है जी, सर अगर मैं निकालूँ बैड डेट्स तो 1% ऑफ सेल सर 1,20,000, इधर आना चाहिए 1.5% ऑफ 13,20,000। तो जब आप सर 13.2 मिलियन, सर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13.2 मिलियन से, तो सर आपके पास जो बैड डेट्स की फिगर आएगी वो आएगी 198,000। ठीक है जी, ज़्यादा हो गया 1-0, 198,000। ठीक है जी, अब बताएं सर इसके बाद मेरे पास तीसरी चीज़ रिसीवेबल्स कितने हैं। अब देखें सर, इससे रिसीवेबल निकालना है तो बहुत आसान है, 12 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 99%, क्यों, 1% बैड डेट्स है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 30। यहाँ से रिसीवेबल निकालना है तो सर 13.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 98.5%। यार आप अगर चाहो ना तो ये 99.5 हटा के डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर एक बंदे का अपना हिसाब है। मैं नेट करता हूँ डिस्काउंट को भी, बैड डेट्स को भी, कुछ लोग नहीं करते हैं, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आपके एग्जामिनर ने कभी किया कभी नहीं किया, आपकी मर्जी। आप ये 99% का जो फिगर है ना, ये ऑल टुगेदर हटा भी सकते हो यहाँ से, कोई टेंशन नहीं, ये हटा भी सकते हो यहाँ से, आप सिर्फ उसको इन दोनों को डिवाइड कर दो, अप टू यू। ठीक है जी, अब बताएं सर मेरे पास रिसीवेबल की फिगर इधर क्या आ रही है और इधर क्या आ रही है। सर यहाँ मेरे पास रिसीवेबल आ रहा है 12 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 0.99, ये बनता है सर मेरे पास 9,90,000। सर यहाँ मेरे पास जो रिसीवेबल आ रहा है वो 1 महीने के हिसाब से 13,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.985 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 60। सर ये आ रहा है मेरे पास 2,167,000, ये मेरा रिसीवेबल है। ठीक है जी, अब सीधी सी बात है सर, जब मेरा रिसीवेबल ये है तो
तो सर इस पे मेरी जो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इसका 9% है, तो अगर मैं इसका 9% निकालता हूँ तो वो बनता है 89,100, और मैं इसका 9% निकालता हूँ तो ये बनता है सर 195,030। अब सारा डाटा मेरे सामने सर, ठीक है ना, ये मेरे पास सर क्वेश्चन में गिवन था, ये डाटा मैंने सर कंस्ट्रक्ट कर लिया खुद, ये खुद बना लिया मैंने। अब मैं इन दोनों को देखते हुए क्या करूँगा सर डिसीजन, अब बताएं सर मेरे पास डिसीजन क्या है, इंक्रीज इन सीएम। सर 3 लाख रुपए इंक्रीज हुए हैं सीएम, 3.3 मिलियन से 3.3 मिलियन पे गैप, इंक्रीज इन बेड डेट्स, किन दोनों का डिफरेंस निकालूं, इन दोनों का डिफरेंस कितना जी 78,000 से बेड डेट्स बढ़े, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कॉस्ट कितनी जी सर आपके पास, इन दोनों का डिफरेंस 89,100 और 195,030, तो ये आपके पास आएगा सर 105,930, ठीक है जी। ये आ गया सर मेरे पास, इसके बाद सर और कोई चीज़ है, सीएम ले लिया मैंने सर, ये ले लिया ये, अब बताएं अगर मैं इन सबको नेट करता हूँ तो सर मेरे पास कोई पॉजिटिव फिगर आती है 116,070। इसका मतलब है सर एक्सटेंड करने से, क्रेडिट टर्म एक्सटेंड करने से कंपनी को एक जगह फ़ायदा होगा, दो जगह नुकसान होंगे, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे ओवरऑल नेट इनकम सर कंपनी को फ़ायदा ही होगा, ठीक है जी। याद रखना क्रेडिट पीरियड जब भी एक्सटेंड होगा सीएम बढ़ेगा, बाकी सारे के सारे खर्चे भी बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये देख लो सीएम का बढ़ना क्या खर्चों के कवर, खर्चों के बढ़ने को कवर कर रहा है, कर रहा है तो कर दें एक्सटेंड क्रेडिट पीरियड, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।